हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन वन कवर करेंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहले जो सेक्शन वन दिया गया है उसमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड और कमेंसमेंट दिया गया है मतलब कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा एक्सटेंड क्या होगा और कमेंसमेंट क्या होगा ठीक है तो इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया यानि कि यह जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये पूरे भारत पर लागू होता है एंड अप्लाई टू ऑल ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट और सभी कोर्ट की ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग पर भी अप्लाई होता है इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल जिसमें मार्शल कोर्ट भी इंक्लूड्स है, बट कुछ मार्शल कोर्ट्स ऐसी है जो जिन पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो वो कौन कौन सी कोर्ट्स है वो है फर्स्ट इज़ जो हमारी आर्मी एक्ट है उस पर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है दूसरा हमारा नेवी एक्ट और तीसरा है हमारा जो हमारा एयर फोर्स एक्ट होता है उस पर भी हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है और इनके अलावा जो हमारे एफिडेविट्स होते हैं जो, जो एफिडेविट्स कोर्ट में दिए जाते हैं वो उन पर भी हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है और जो हमारी प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर मतलब जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं या जो मीडिएटर होते हैं उनकी जो प्रोसीडिंग होती है उन उस प्रोसीडिंग पर भी हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है ठीक है एंड इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेम्बर एटीन सेवेंटी टू मतलब कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का जो कमेंसमेंट है वो फर्स्ट सेप्टेम्बर 1872 को है ठीक है तो आई होप ये सेक्शन आपकी समझ में आया होगा थैंक यू